हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनके कुछ डाउट्स हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जिनको क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो चक्रास के ऊपर है और चक्रास के ऊपर भी मेरे पास कई तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि जब हम अपने चक्रास पे वर्क करते हैं तो हमें बॉडी में पेन फील होता है, तो पेन क्यों फील होता है? तो देखिए दोस्तों, जब हम अपने चक्रास पे वर्क करते हैं तो जो हमारे चक्रास हैं जब उन पर हम वर्क करते हैं तो वो वाइब्रेट होते हैं और वो वाइब्रेट होकर हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी हमें हमारी बॉडी को सेंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमें इसकी आदत नहीं होती है, हमारी बॉडी को इस चीज़ की आदत नहीं होती है, तो हमारी बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने चक्रास पे वर्क करते जाते हैं और धीरे धीरे ये पेन ख़त्म होता जाता है क्योंकि हमारी बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारी पेन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक दिन ऐसा आता है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे जो चक्रास है वो वाइब्रेट हो रहे हैं और हमें कहीं पर भी पेन फील नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है अगर पेन हो रहा है, क्योंकि आप इसको पॉजिटिव नज़रिए से देखिए, क्योंकि इसका अर्थ है कि आपके चक्रास वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि मेरे से पूछा जा रहा है कि क्या मैम पीरियड्स में हम लोग चक्रास पे वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने कभी भी अपने पीरियड्स में अपने ना तो अपने चक्रास पे वर्क करना छोड़ा है, ना ही मैंने मेडिटेशन करना छोड़ा है। जब भी मुझे पीरियड्स आते थे मैं मेडिटेशन भी करती थी और अपने चक्रास पे वर्क भी करती थी, तो मुझे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और एक और बात बताना चाहती हूँ आप सबको कि जिन डीएफ को अपने पीरियड्स के टाइम पर पेन फील होता है, यानी कि काफ़ी पेन फील करती हैं, जहाँ उनके जो पीरियड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से नहीं आते हैं, जब उनमें किसी तरीके की कोई रुकावट आती है, तो आप रूट चक्रा कीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मैंने किया है, मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है जी। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है थर्ड आई पर। मेरे से पूछा जाता है कि जब मैं मतलब वो आप जो कुछ डीएफ हैं जो अपने थर्ड आई पर जब वर्क करती हैं तो उनके थर्ड आई में पेन होता है, चक्कर आते हैं, मतलब इस घबराहट होती है, वो इस तरह की कुछ डीएफ फील करती हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जब आप अपने थर्ड आई पर वर्क करते हैं तो आपको अपने थर्ड आई पर वर्क नहीं करना है। आपको अपने एक आप क्राउन चक्रा पर वर्क मत कीजिए, एक आप अपने थर्ड आई पर वर्क मत कीजिए, क्योंकि जो थर्ड आई है ये अपने आप ओपन होती है जब सही टाइम आता है तब। अगर आप फोर्स करोगे, आप अपने आप पर फोर्स लगाओगे, मतलब उस थर्ड आई को ओपन करने के लिए अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाओगे ना, तो ये ओपन होने वाली नहीं है, बल्कि आप बीमार हो जाओगे, ठीक है। ये तब ओपन होती है जब आपके जो नीचे वाले 5 चक्रास हैं ना वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव होंगे। जब वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो जाते हैं तो थर्ड आई आपकी अपने आप अपने राइट टाइम पर ओपन हो जाएगी। आपको उस पर एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी उस पर नहीं करना है, ठीक है जी। तो क्योंकि ये जो टाइम है थर्ड आई का, ये अपने देखिए, जब हम इस पर एफर्ट लगाते हैं ना, जब आप उस पर फोर्स लगाते हो कि हाँ मैंने अपना थर्ड आई ओपन करना है, तो क्या हो रहा होता है कि जो हमारे थर्ड आई का जो सेंटर में जो होता है ना, थर्ड आई की जहाँ पर थर्ड आई होती है, जहाँ हम लोग जब अपनी आंखें बंद करके उस पर फोकस होते हैं, थर्ड आई पर फोकस होते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत पेन फील होता है। तो ये आपके एफर्ट लगाने से ये ओपन नहीं होने वाली, ठीक है। जब आपके लोअर चक्रास जितने भी हैं वो सब जब ओपन हो जाएंगे, जब वो एक्टिव हो जाएंगे, तब ये थर्ड आई अपने आप अपने राइट टाइम पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे क्राउन चक्रा होता है, हम लोग क्राउन चक्रा पर भी कोई भी एफर्ट नहीं लगाते, ये भी अपने आप ओपन होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो चलिए आगे मतलब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और मेरे पास क्वेश्चन आया है एक कि गर्ल्स हैं लेकिन वो डीएम एनर्जी में हैं, तो उनके घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि डीएम एनर्जी काफ़ी नेगेटिव हो रही है या उनके साथ कुछ गड़बड़ मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव और लो होती जा रही है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, चाहे वो डीएफ एनर्जी है चाहे वो डीएम एनर्जी है, देखिए आपको अपना नज़रिया है ना वो पॉजिटिव रखना है। हर किसी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। जब हम इस जर्नी में नहीं थे तब भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी और हम कर भी रहे थे, ठीक है, जब हम इस जर्नी में नहीं थे। लेकिन अब तो हम इस जर्नी में हैं और
हम अवेकन हो रहे हैं, हम अवेकन के प्रोसेस में हैं, तो हमें तो अपना जो नज़रिया है और भी निखरा हुआ होना चाहिए ना, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ। तो आप इसको नेगेटिव मत लीजिए। अब ये देखिए कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है उससे क्या लेसन है, उसमें आपके लिए क्या लेसन है। वो मतलब जो पर्सन आपके साथ झगड़ा कर रहा है या आपको कुछ ट्रिगर कर रहा है, फैमिली मेम्बर ही है चाहे वो आपको किस लिए ट्रिगर कर रहे हैं, ये मैंने अपने कल वाले वीडियो में भी बताया था, आज वाले वीडियो में भी बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ऐसे बार बार आ रहे हैं। तो आपने करना क्या है, मान लीजिए आपके फैमिली मेम्बर्स में झगड़ा हो रहा है या आपको ट्रिगर किया जा रहा है, तो इट मीन्स वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। पहले तो आप उस चीज़ को कैच करने की कोशिश कीजिए कि आपको लेसन क्या मिलने वाला है या आपको क्या डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, कौन सा लेसन आपको देना चाहते हैं। तो आपने पहले उस पर फोकस होना है। अगर आपको नहीं लग रहा, मीन्स आपके साथ कोई झगड़ा नहीं हो रहा, फैमिली का आपस में ही कुछ हो रहा है, तो आप प्रे कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रे कर सकते हैं, आप उनके झगड़े को ख़त्म करने के लिए प्रे कर सकते हैं, आप उनके जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं जिनकी वजह से आज वो लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रे कीजिए। उनके पास्ट लाइफ के कर्मास के लिए प्रे कीजिए कि उनके जो पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मास हैं जिनका भुगतान वो इस लाइफ में दे रहे हैं, तो उसके लिए आप माफ़ी मांग सकते हैं। अब कुछ डीएफ पूछ रही हैं कि अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, प्रे करते हैं तो क्या उनको लगेगी। बिल्कुल लगेगी। अरे भाई, आप लोग, हम लोग जो हैं, जो ट्विन फ्लेम सोल्स हैं, वो अर्थ पर आए ही इसीलिए हैं, हम अर्थ पर लोगों का भला करने के लिए आए हैं। तो ये तो फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, हमने इनके घर में जन्म लिया हुआ है, हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इनके लिए क्यों नहीं करेंगे, हम इनके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम अर्थ के लिए कर सकते हैं, जब हम अदर मानव जाति के लिए कर सकते हैं, तो ये तो फिर भी हमारे अपने हैं, क्योंकि हमने इनके साथ, हम इनके साथ फिजिकली लेवल पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इनके लिए भी प्रे कर सकते हैं, इनके कर्मास को ख़त्म करने के लिए भी हम प्रे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था, इसको भी मैंने क्लियर कर दिया है। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। एक मेरे पास क्वेश्चन आया है दीपक जी का, उन्होंने मेरे से पूछा है, मेरे को पूछा नहीं है, उन्होंने मेरे को बताया है कि मुझे नहीं पता कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं, लेकिन मेरे साथ सिंक्रोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए दीपक जी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आप कहीं नहीं जाने वाले, ना ही आपको कहीं जाने दिया जाएगा इस जर्नी से भागने से। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा, आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे, ठीक है, आपको इस जर्नी के लिए। तो आपको इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस चीज़ पर क्लैरिटी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप क्लियर किया जाएगा, ठीक है जी। तो अगर सिंक्रोसिटी हो रही है उसको कैच कीजिए, देखिए, गूगल पर सर्च कीजिए इसका अर्थ क्या निकल रहा है, तो पॉजिटिव रहिए अपने बारे में भी और अपने जन्म के बारे में, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी, ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।